टीचर की शर्मनाक करतूत, नाबालिग से जबरन रचाई शादी। उत्तर प्रदेश जनपद के सीतापुर में एक अनोखा रिश्ता सामने आया, जहां टीचर ने अपनी पत्नी को बताया बहन। वजह, टीचर ने 15 साल की नाबालिग बच्ची से रचाई शादी। इस शादी में बच्ची के माँ बाप भी हुए शामिल, मगर गाँव वालों ने जताई नाराजगी और किया विरोध, मगर बच्ची के माँ बाप ने एक न सुनी। जब इसकी जानकारी स्मृति फाउंडेशन नामक एक एनजीओ को लगी, उसने विरोध किया और बच्ची को उसके घर भिजवाया। इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। आरोपी पति एक प्राइवेट टीचर है, उसने नाबालिग से शादी करके बूढ़े माँ बाप की देखरेख और घर का काम कराने के लिए शादी की थी, मगर पत्नी नहीं बहन जैसा रिश्ता रखना चाहता था। बहन बन के रहना है तो ऐसे रह सका तो यार, इतना समाज थोड़ा बुरा है। हमें ये मालूम नहीं था ऐसा हुआ कि हम पढ़ाते थे और उन बच्चों को कुछ इनके गांव वाले बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाते थे हम, तो हमारे माँ बाप बूढ़े थे बहुत ज़्यादा, हम अकेले थे, तो मतलब इन लोग बच्चे पूछने लगे सर लेट में क्यों आते, तो हमने कहा सर बेटा खाना वाना बना करके ही आते हैं। तब बच्चों को जो कोचिंग पढ़ाते थे वो गांव उनके गांव वालों में कहा, तो मौसी लोगों ने कहा कि ठीक है हम शादी देखो कराएंगे, तो मौसी ने शादी कराया हमारी, लेकिन हम उनको केवल बहन और बेटी के ही नाम से पालन पोषण उनका कर रहे हैं, बाकी अपना काम करते हैं, अपना खाना वाना थोड़ा हाथ बटा हम भी लेते हैं, वो भी हाथ बटा लेती हैं। मानपुर थाने के मोहंदापुर गांव में एक विवाह हुआ और विवाह के बाद गलती विदा होकर अपने ससुराल चले गए। इस बीच ये समृद्धि फाउंडेशन को ये जानकारी मिली ये बाल विवाह है, तो उन्होंने उससे जाके जानकारी दी और पता किया, तो जो संज्ञान में आया वो ये आया कि लड़की की उम्र 15 साल है और इस संबंध में ये थाने पर मुकदमा अपराध संख्या पंजीकृत कराया गया और लड़की को उसके चाची को सुपुर्द कर दिया गया और ये तक आया था कि ये जब तक 18 साल की नहीं हो जाएगी तब तक इसकी विदाई नहीं होती। इस तरह के तत्व संज्ञान में आए हैं क्योंकि इस संबंध में मुकदमा थाने पंजीकृत है, इसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और जो भी आवश्यकता